क्या प्रतापगढ़ का 25 साल बाद बदलेगा इतिहास? पंचायत चुनाव में राजा भैया की साख दांव पर लगी है। योगी अखिलेश और राजा भैया की साख दांव पर है। प्रतापगढ़ क्या 25 सालों बाद अपना नया इतिहास लिखेगा? यूपी की सियासत चाहे जैसी हो, मौसम चाहे जिसके साथ हो, लेकिन एक जिला ऐसा है जहां ना मौसम बदला, ना सियासी गुड़ा भाग बदला, ना ही चेहरा बदला जो 25 सालों से राज कर रहा है। पंचायत चुनाव में साफ हो गया है कि राजा भैया का वर्चस्व आज भी प्रतापगढ़ में बाकी है, लेकिन करीब ढाई दशक बाद इस बार मौसम भी बदला है, राजा की परेशानी भी बढ़ी है और मुश्किल भी। लेकिन प्रतापगढ़ को उम्मीद है कि आखिरी वक्त में कुंडा के राजा ही बाजी मारेंगे। होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहली बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने किसी भी समर्थक को अपने ही क्षेत्र में निर्विरोध नहीं जिता सके, जबकि इसके पहले उनके दर्जन भर करीबी नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। हालांकि इस बार प्रतापगढ़ के सियासी हालात पूरी तरह बदले हुए नजर आए। सपा बीजेपी ने भी उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचा, जिस चक्रव्यूह में आज राजा भैया खड़े। प्रतापगढ़ जिला पंचायत में सबसे अधिक 17 सदस्य समाजवादी पार्टी के पास है, तो 12 जनसत्ता के पास है, बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 5 सदस्य, जबकि प्रतापगढ़ में निर्दलियों की संख्या 14 है। ऐसे में अगर निर्दलियों के वोट सपा में जोड़ दें तो उनकी संख्या 32 पहुंच रही है, जबकि जनसत्ता दल के साथ निर्दलीय आने पर आंकड़ा 25 पर जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के 5 वोट मिलने से राजा भैया मजबूत हो जाएंगे। हालांकि निर्दलियों को अपने पाले में करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी फाइट में है। सपा को भी लगता है कि वो चुनाव जीतेगी और सपा सबसे मजबूत पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी से लेकर सपा और जनसत्ता दल सब उन्हें साधने में जुटे हैं। बीजेपी और निर्दलियों के साथ दूसरे दलों से भी सेंधमारी करनी होगी। मैदान में जनसत्ता दल की ओर से माधुरी देवी, सपा से अमरावती और बीजेपी से शमा सिंह के साथ ही भाजपा समर्थन से जीती जिला पंचायत सदस्य पूनम इंसान ने भी नामांकन किया है, जिससे लड़ाई कांटे की हो गई। लेकिन 1995 में हुए जिला पंचायत चुनाव में राजा भैया समर्थित अमरावती ने जीत का परचम लहराया था। 2000 में राजा भैया समर्थित बिंदेश्वरी पटेल ने जीत हासिल की थी, जबकि 2005 में राजा भैया समर्थित प्रत्याशी कमला देवी विजयी हुई थी। 2011 में बसपा के प्रमोद मौर्य ने राजा भैया की जीत का रथ रोकते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2016 में राजा भैया समर्थित प्रत्याशी उमा शंकर यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा करते हुए दोबारा से परचम लहरा दिया था। अपने यादव बहुल क्षेत्र में यादव ठाकुर और पासी वोट के सहारे सियासी दबदबा बनाए रखने का काम राजा भैया पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदल गई। कुंडा नगर पंचायत चुनाव में करीबी कहे जाने वाले गुलशन यादव ने राजा भैया समर्थक को हराया। सपा ने उन्हीं के क्षेत्र के छविनाथ यादव को जिला अध्यक्ष बना रखा है। दूसरी तरफ राजा के दुर्विरोधी पूर्व सांसद रत्ना सिंह और शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी बीजेपी खेमे से हैं। ये सब राजा भैया के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या राजा भैया अपना परचम बरकरार रख पाएंगे, क्या अपनी साख को बचा पाएंगे, ये 3 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।